नमस्कार दोस्तों, तो एजुकेशन एकेडमी में एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज के इस लेक्चर में हम भारतीय संविधान एवं राजव्यवस्था के एक अत्यंत और लोकप्रिय टॉपिक महान्यायवादी और राज्य महाधिवक्ता के बारे में जो है चर्चा करेंगे, विश्लेषण करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। तो एक एक करके दोनों ही टॉपिक को हम लोग जो है कवर करने का प्रयास करेंगे। महाधिवक्ता यूं महान्यायवादी महाधिवक्ता यूं महान्यायवादी, इसे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। और इसके साथ में एक और पद जुड़ा हुआ है, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। दोनों हम देखने का प्रयास करते हैं। तो भारतीय संविधान के जो है भाग 5 के अंतर्गत अनुच्छेद 76 में, आर्टिकल 76 के अंतर्गत महान्यायवादी के जो है पद अधिकार और दायित्वों का जो है वर्णन किया गया है। महान्यायवादी, यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात ही, एक संघीय कार्यपालिका का एक भाग है और इस कारण से महान्यायवादी जो भारत का सर्वोच्च जो है विधि अधिकारी यूं केंद्र सरकार का सबसे बड़ा वकील हो जाता है। तो यह थी जो है इसकी एक सामान्य परिचय कि महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो है उसके पद और अधिकार तथा दायित्वों का वर्णन भारतीय संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 76 के अंतर्गत किया गया है। और यह संघीय कार्यपालिका का भाग होता है, इसलिए यह केंद्र सरकार का एक सबसे बड़ा जो है पदाधिकारी अपने आप में जो है हो जाता है। और इसके साथ साथ में जब हम इसके नियुक्ति की बात करते हैं कि ये इसकी जो है नियुक्ति कैसे होती है, तो इसकी नियुक्ति के संदर्भ में समझ सकती है जो राष्ट्रपति को दी गई है। राष्ट्रपति जो है भारत में महान्यायवादी की जो नियुक्ति करता है और महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बना होगा। प्रसाद पर्यंत, प्रसाद पर्यंत जो है अपने पद पर बना होता है। कहने का मतलब यह है कि इसके लिए किसी भी प्रकार से अगर इसको हटाना हो तो इसके लिए विधिक कार्यवाही नहीं होगी, किसी संसद में प्रस्ताव पास नहीं होगा, बल्कि राष्ट्रपति स्वयं ही जो है अधिसूचना के माध्यम से इसे जो है समाप्त कर देंगे। इसके लिए किसी भी प्रकार की जो है कोई प्रस्ताव संकल्प सदन में लाने की आवश्यकता नहीं होगी। और वो महान्यायवादी जो है वो राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र भी दे सकते हैं। और कार्यकाल के संदर्भ में जहां तक सामान्यतया बात है कि वो राष्ट्रपति की सिफारिश पर आते हैं, तो ऐसी स्थिति में महान्यायवादी सरकार के साथ ही अपने पद पर बने रहते हैं। यदि सरकार जो है त्याग पत्र देती है या सदन में अपना बहुमत सिद्ध नहीं कर पाती है तो उसके पद के साथ ही उसका समाप्त हो जाता है, सरकार के कार्यकाल के साथ ही इसका कार्यकाल समाप्त हो जाता है। अब यहां पे अगली महत्वपूर्ण बात है कि इसकी योग्यता जो है वो ऐसे व्यक्ति को महान्यायवादी के रूप में नियुक्त किया जाता है जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो। क्योंकि केंद्र सरकार की बात है तो उच्चतम न्यायालय में भी जो है सरकार के पक्षों को रखने की जो है जरूरतें पड़ सकती हैं, इसलिए ऐसे व्यक्ति को कम से कम रखना आवश्यक है जो उच्चतम न्यायालय की जो है योग्यता के बराबर योग्यता रखता हो। तो इसलिए जो है यहाँ पे महान्यायवादी की योग्यता को जो है वो उच्चतम न्यायालय के जो है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की जो है योग्यता की जो है समकक्ष रखा गया है, योग्यता की जो है समकक्ष यहां पर उसके पद को जो रखा गया है। अगली महत्वपूर्ण बात यह है कि महान्यायवादी को वेतन नहीं दिया जाता, बल्कि महान्यायवादी के संदर्भ में राष्ट्रपति के द्वारा निर्धारित जो पारिश्रमिक, ये बहुत ही महत्वपूर्ण जो है एक फैक्ट है जो परीक्षा में पूछा भी जाता है, तो यहाँ पे जानकारी होना आवश्यक है। इसको वेतन के बजाय इसको पारिश्रमिक दिया जाता है, और वो पारिश्रमिक दिया जाता है जो समय समय पर राष्ट्रपति के द्वारा निर्धारित किया जाता है। तो ये व्यवस्था थी उसकी योग्यता और पारिश्रमिक के संदर्भ में। अब हम देखेंगे उसके कार्य एवं दायित्व। राष्ट्रपति महान्यायवादी के संदर्भ में यह व्यवस्था की गई है कि वो भारत के, चूंकि वो केंद्र के स्तर पर है, तो भारत के किसी भी जो है न्यायालय में
भारत के किसी भी न्यायालय में जो है वो सुनवाई कर सकता है, संसद के दोनों सदनों में या संयुक्त अधिवेशन में वह उसकी किसी समिति में जो है वो भाग ले सकता है, वहाँ बहस में जो है अपना पक्ष रख सकता है, बोल सकता है, लेकिन वह वोट नहीं दे सकता। ये इंपॉर्टेंट चीज है कि वह वोट जो है वोट नहीं दे सकता, वोट के संदर्भ में वोट नहीं दे सकता, इसलिए क्योंकि वोट वही व्यक्ति दे सकता है जो उस सदन का सदस्य हो। तो चूंकि यह सदन का सदस्य नहीं होता इसलिए इसे वोट देने का अधिकार नहीं दिया गया है। तो इस रूप में जो है यह सुनवाई कर सकता है और संसद या उसकी किसी समिति में भाग ले सकता है, बैठ सकता है, बोल सकता है। यह व्यवस्था इसके लिए जो दी गई है। इसका जो कर्तव्य है वो यह है कि यह विभिन्न प्रकार के जो है विधिक मामलों में केंद्र सरकार के पक्ष को न्यायालय में रखता है ताकि सरकार के पक्ष से जो है न्यायालय को अवगत कराया जा सके समय समय पर जो भी सरकार की जो है तरफ से पक्ष रखना होता है। और साथ में यह उन दायित्वों का भी निर्वहन करता है जो विधि से संबंधित या विधिक स्वरूप के अन्य मामले जो है आते हैं और राष्ट्रपति के द्वारा जो है इन्हें इस कार्य को करने के लिए निर्देशित किया जाता है। तो ये जो है इनके कार्य और दायित्व के जो है सृजन में आते हैं। यहाँ पर एक चीज और ध्यान में रखना आवश्यक है कि चूंकि ये जो व्यक्ति ये कोई पूर्णकालिक सदस्य नहीं होते हैं, सरकार की सिफारिश पर सरकार के पक्ष को रखने के लिए इन्हें जो है नियुक्त किया जाता है, ऐसी स्थिति में इन्हें जो है निजी कार्य को ऐसी स्थिति में इन्हें निजी जो है विधिक परामर्श या निजी विधिक जो है अपने दायित्वों को निपटाने के लिए किसी भी तरीके से प्रतिबंधित नहीं किया गया है, यानी कि वो प्राइवेट अपना जो है विधिक सलाह का कार्य कर सकते हैं क्योंकि इनका कोई पूर्णकालिक पद नहीं होता है। जैसे सेक्रेटरी होता है उसका एक पूर्णकालिक पद होता है कि वो 60 वर्ष की आयु तक अपने पद पर, अगर आईएएस कैडर का है तो 60 वर्ष तक अपने पद पर बना रहता है। तो ऐसी स्थिति में वो एक पूर्णकालिक पद हो जाता है और उसे कोई कार्य जो है अन्य लाभ के कार्य जो है करने से मना किया जाता है, लेकिन यहाँ पर जो है ये अपने निजी विधिक सलाह के कार्य को संपादित कर सकता है। कौन? महान्यायवादी। इसके साथ में यहाँ पर सॉलिसिटर जनरल का भी जो है पद है, सॉलिसिटर जनरल, सॉलिसिटर जनरल जो है वो भी जो है केंद्र सरकार का ही जो है वकील होता है और केंद्र सरकार की तरफ से आने वाले विभिन्न प्रकार के जो है विधिक कार्यों में महान्यायवादी की जो है ये सहायता करता है। यद्यपि यहाँ पर ये ध्यान में रखना आवश्यक है कि भाग 5 और अनुच्छेद 76 के अंतर्गत सॉलिसिटर जनरल के पद का उल्लेख नहीं है, इस पद का उल्लेख नहीं है। तो यहाँ पर 2-3 फैक्ट को याद करना, सॉलिसिटर जनरल का पद उल्लिखित नहीं है, इन्हें वोट देने का अधिकार नहीं होता है, इन्हें वेतन के बजाय पारिश्रमिक मिलता है, लेकिन एक जो छूट दी गई है वो ये है कि इन्हें जो है निजी जो है विधिक व्यवसाय को करने से मना नहीं किया जाता है। तो ये महान्यायवादी के संदर्भ में जो है सामान्य रूप से किए गए जो प्रावधान है, और यहाँ से सवाल अक्सर पूछे जाते हैं, इस पर एक स्वस्थ जो है जानकारी और विचारधारा और अवधारणा का होना आप लोगों के लिए जो है जरूरी और आवश्यक है। अब हम महाधिवक्ता के बारे में जो है देखेंगे। महाधिवक्ता, महाधिवक्ता इसे एडवोकेट जनरल फॉर स्टेट भी कहा जाता है, एडवोकेट जनरल फॉर स्टेट कहा जाता है, और इसके पद का उल्लेख जो है भाग 6 के अंतर्गत आर्टिकल की अगर बात किया जाए तो आर्टिकल 164 मुख्यमंत्री से संबंधित है और 165 जो है वो एडवोकेट जनरल फॉर स्टेट से संबंधित है। जैसे वहाँ पे 76 महान्यायवादी से संबंधित है और 75 जो है मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद की नियुक्ति से, तो सेम यहाँ पे जो है अनुच्छेद उसी तरीके के प्रावधान राज्य सरकारों के संदर्भ में की गई है। तो महाधिवक्ता के पद का जो है प्रावधान भारतीय संविधान के भाग 6 और अनुच्छेद 165 के अंतर्गत जो है उल्लिखित है। यह भी महान्यायवादी की तरह से राज्य कार्यपालिका का भाग होता है, इसीलिए राज्य सरकार का यह राज्य में अगर देखा जाए तो सर्वोच्च विधि अधिकारी और राज्य सरकार का सबसे बड़ा वकील होता है। महाधिवक्ता की जो नियुक्ति होती है वो राज्यपाल के द्वारा, जैसे वहां पर राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता था, वैसे यहाँ पर जो है राज्यपाल के द्वारा इनकी नियुक्ति
की जाती है, और ये भी जो है इन्हीं के राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर, राज्यपाल के जो है प्रसाद पर्यंत अपने पद पर जो है बने होते हैं। यद्यपि ये अगर चाहे तो अपना त्याग पत्र राज्यपाल को ही दे सकते हैं, क्योंकि वही उनकी नियुक्ति अधिकारी होते हैं। और ये भी सामान्यतः उसी तरीके से जैसे महानियमवादी होते हैं, उसी तरीके से राज्य सरकार के जो है परामर्श पर इनको उनके विधिक मामलों में सहायता करने के लिए नियुक्त किया जाता है। तो राज्य सरकार के जो है या मंत्रिपरिषद के त्यागपत्र या उसके कार्यकाल समाप्त होने के साथ ही इनका भी कार्यकाल समाप्त हो जाता है। ये एक सामान्य व्यवस्था है। इनके लिए भी जो योग्यता की बात कही गई है, जिस तरीके से महान्यायवादी के संदर्भ में ये बातें कही गई थी कि वो केंद्र सरकार में है तो वो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समकक्ष उसकी योग्यता होनी चाहिए, तो उसी तरीके से इनके बारे में जो प्रावधान किया गया है कि महाधिवक्ता पद पर उसी भी व्यक्ति को जो है नियुक्त किया जा सकता है जो राज्य में या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के योग्यता के बराबर योग्यता रखता हो या न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो, क्योंकि उसे सामान्यतः राज्य के उच्च न्यायालय में सरकार की तरफ से उसके पक्ष को रखना होता है। यहाँ भी महान्यायवादी की तरह से ही जो है वेतन न दे करके जो है इन्हें भी जो है पारिश्रमिक ही जो है दिया जाता है, और वो पारिश्रमिक का निर्धारण समय समय पर राज्यपाल के द्वारा किया जाता रहता है। तो सेम उसी तरीके से व्यवस्था है। अगर आपको मुख्य परीक्षा में उत्तर लिखना हो तो यहाँ पर एक चीज ये भी ध्यान में रखना आवश्यक है कि अगर आप तुलनात्मक रूप से अपना उत्तर लिखते हैं तो ये न केवल याद करने में आसान होता है तो बल्कि ये बताता है कि आपके पास जो है मल्टी डायमेंशनल अप्रोच है, बहुआयामी जो है उपागम आपके पास है, और आपका उत्तर प्रभावी होगा और अच्छे मार्क्स मिलने में आपका मदद करेगा। तो इसलिए आप जो है अपनी पढ़ाई के दौरान तुलनात्मक रूप से जरूर अध्ययन कीजिए। जब हम राजनीति विज्ञान या इसी तरीके से अन्य समाजशास्त्र या अन्य विषयों का अध्ययन करते हैं तो वहाँ अध्ययन के उपागम पढ़ाए जाते हैं, तो अध्ययन के उपागम में एक तुलनात्मक भी उपागम होता है। तो इसको इसी पैटर्न पर देखने से आसानी होगी, याद करने में आसानी होगी और अपने उत्तर को जो है प्रभावी बनाने में आपको मदद मिलेगा। अगला जो है इनके अधिकार और दायित्व से संबंधित है। अधिकार एवं दायित्व, एडवोकेट जनरल फॉर स्टेट या अधिवक्ता को न्यायालय में सुनवाई करने का जो है अधिकार है, और इसी तरीके से ये राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों में या दोनों के जो है सदनों के साथ साथ जो है उस सदन के जो है किसी समिति में जो भाग ले सकते हैं, बोल सकते हैं, अपना पक्ष रख सकते हैं, लेकिन जो है इन्हें वोट देने का अधिकार नहीं होता है क्योंकि ये विधानमंडल के सदस्य नहीं होते हैं। उसी तरीके से जैसे महान्यायवादी के संदर्भ में व्यवस्थाएं की गई है। दायित्व के संदर्भ में यह है कि विधि से संबंधित या विधिक स्वरूप के जो है किसी भी प्रकार के मामले में राज्य सरकार के जो है पक्ष को न्यायालय में रखना और राज्य सरकार के पक्षों से जो है न्यायालय को अवगत कराना तथा उधर न्यायालय की तरफ से दिए जाने वाले निर्देश से सरकार को समय समय पर अवगत कराए रखना, या इसके अलावा विधि से संबंधित कोई कार्य या विधिक स्वरूप के अन्य सभी विषयों से संबंधित कार्य जो राज्यपाल के द्वारा समय समय पर राज्य के महाधिवक्ता को सौंपे जाते हैं उससे संबंधित दायित्वों का निर्वहन महाधिवक्ता के द्वारा संपन्न किया जाता है। तो महाधिवक्ता का जो ये सारे जो है काम होते हैं, और महाधिवक्ता के संदर्भ में भी ये बातें कही गई हैं कि चूंकि ये राज्य सरकार की जो सिफारिश पर उसके पक्षों को रखने के लिए जो है नियुक्त किया जाता है, ये कोई पूर्णकालिक पद नहीं होता है, पूर्णकालिक जो है पद नहीं होता है, इसीलिए पूर्णकालिक पद न होने के कारण से इन्हें निजी विधिक व्यवसाय करने से जो है रोका नहीं गया। तो ये दोनों ही टॉपिक को एक साथ रखने के पीछे यही मंशा थी महाधिवक्ता और महान्यायवादी को कि इसके माध्यम से तुलनात्मक रूप से एक समझ विकसित किया जा सके आपके उत्तर को लिखने में और प्रारंभिक परीक्षा या इंटरव्यू से उत्पन्न होने वाले सवालों को सॉल्व करने में आपको मदद मिल सके, कि दोनों के प्रावधान लगभग एक तरीके से हैं। अंतर केवल इतना है कि महान्यायवादी वो केंद्र में और महाधिवक्ता और राज्य में जो सरकार के जो है विधि या विधि से उत्पन्न होने वाले किसी भी प्रकार के सवाल के संदर्भ में परामर्शदाता होता है और न्यायालय में सरकार की तरफ से अपने पक्षों को रखता है। तो आज के लेक्चर में जो है संविधान राज्य व्यवस्था के इस लोकप्रिय टॉपिक पर संबंधित है, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने महाधिवक्ता और महान्यायवादी तथा सॉलिसिटर जनरल इत्यादि के संदर्भ में विभिन्न प्रकार के कार्य दायित्व
और उससे संबंधित पक्षों को जो है देखने समझने और विश्लेषित करने का प्रयास किया। उम्मीद करता हूँ कि ये टॉपिक आप लोगों को समझ में आया होगा। इससे संबंधित जो भी वैकल्पिक क्वेश्चन अभी तक विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं में पूछे गए हैं उन सभी सवालों को लेकर के जस्ट इससे जो है संबंधित अगला जो लेक्चर स्क्रीन रिकॉर्डिंग के रूप में आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा, जिससे इससे उत्पन्न जो है भी क्वेश्चन बन सकते हैं या परीक्षा में अभी तक पूछे गए हैं उस पर आपकी तथ्यात्मक पकड़ भी मजबूत हो सके। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, पुनः अगले लेक्चर में एक नए वीडियो के साथ आप लोगों से मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।